आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने डेड प्लांट्स को जान दे रहा हूँ बहुत आसान तरीके से, स्प्रे करके इनको जीवन दे रहा हूँ। कैसे बताएं, बताते हैं दोस्तों। मेरे कुछ प्लांट्स की ग्रोथ एकदम स्लो हो गई थी, ऑलमोस्ट वो डेड हो गए थे और मैं बहुत परेशान हो गया था कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। और तो मैंने उस पर एक ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, उससे मेरा प्लांट्स जो डेड था वो खिल तो गया ही, उसमें इतनी अच्छी जान आ गई, उसका कलर, उसका फ्लावर साइज इतना अच्छा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये चमत्कार हुआ कैसे बताएं आपको। दोस्तों मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त या आपका ऑनलाइन माली नितिन मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन डेली टेरिस गार्डन में। दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो एंड तक देखिए। एंड तक देखेंगे तो आपको इस चमत्कारी फर्टिलाइज़र का के बारे में पूरा पता लगेगा। तो दोस्तों ये चमत्कार किया है सी वीड एक्सट्रैक्ट ने। जी हाँ, सी वीड एक्सट्रैक्ट, ये सी वीड के नाम से पता लग जाता है कि ये एक समुद्र में से रिलेटेड कोई खाद है। तो ये सी वीड होता क्या है ये मैं बताता हूँ। ये एक देखिए दाने दाने होते हैं इसके, ये इस रूप में मिलता है, और ये एक लिक्विड रूप में भी मिलता है जो बाज़ार से बना बनाया मिलता है। तो पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये दाने वाला ही लेके आएँ। एक तो ये सस्ता पड़ता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र से, लिक्विड वाले कंसनट्रेट से, और दूसरा ये बहुत आराम से बन जाता है, बहुत आराम से बन जाएगा आपको। इस तरीके से देखिए आप, चाय की पत्ती की तरह दाने नज़र आते हैं इसके। ये समुंदर में पाए जाने वाले खरपतवार या छोटे छोटे समुंदर में पौधे, काई, इनसे बनाया जाता है। यह 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है दोस्तों। इसमें क्या क्या होता है ये जान लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये सब इस प्लांट में, इसमें फर्टिलाइज़र में होते हैं। ये सब मिलके आपकी प्लांट की ग्रोथ को बहुत बढ़ाते हैं। अगर आपका प्लांट की जो ग्रोथ है अगर वो कम लग रही है आपको और प्लांट की हेल्थ भी डाउन लग रही है, तो इसको आप वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका प्लांट सही ढंग से काम कर रहा है, अच्छा चल रहा है, तो इसको 15 से 20 दिन में एक बार इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। देखिए ये मैंने ले लिया 250 ml पानी। जी हाँ, सादा पानी 250 ml है ये। इसमें हमने सिर्फ एक चम्मच, ये देखिए मात्र एक चम्मच, इस तरीके से ये एक चम्मच है हमने इसमें डाल दिया। देखिए थोड़ा सा और ले लेते हैं, चम्मच में कम था, बस ये डाल दिया। डालने के बाद इसको हम ढक्कन लगा के बंद कर देंगे और कम से कम 24 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसको ढक्कन लगा के रख देंगे हम और 24 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। बीच में अगर आप इसको हिला देना, क्योंकि ये देखिए अभी डालते इसका कलर कैसे चेंज हो गया, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। ये देखिए अभी वाइट था और ये एकदम इसका कलर चेंज हो गया। एकदम से इसको यूज़ नहीं करना, 24 घंटे के लिए इसको छोड़ना है, और जब भी यूज़ करना है इसको आपने पहले हिलाना ज़रूर है। अब ये 250 ml का जो पानी बना है, कंसनट्रेट बना है, इसको आपने डाइल्यूट करना है 2.5 लीटर पानी में। समझ लीजिए अगर आप इसका 100 ml ले रहे हैं तो इसको आप 1 लीटर पानी में छान कर डालिएगा। जी हाँ, छान कर, क्योंकि इसमें छोटे छोटे दाने रह जाते हैं, हमारी स्प्रे बॉटल के नोजल में अटक सकते हैं। तो इसको छान के डालिएगा, 100 ml कंसनट्रेट उसमें 1 लीटर पानी में डालना है और 250 ml 2.5 लीटर पानी में। अब आप रेशो कैलकुलेटर अपने आप कर सकते हैं कि आपके पास कितने ज़्यादा प्लांट हैं, कितने कम प्लांट हैं। ये ऑलरेडी मैंने देखिए तैयार करके रखा हुआ है, इसको 24 घंटे हो गए हैं। अब इसको कैसे डालना है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, बस ये सिंपली हमने अपने प्लांट्स की लीव के ऊपर और फ्लावर्स के ऊपर इसको अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। अच्छे तरीके से स्प्रे करेंगे हम, ये देखिए बस अच्छे तरीके से सारी लीव्स पे स्प्रे कर देंगे, फ्लावर्स पे भी। दोस्तों ये कंसनट्रेट जो है, ये जो फर्टिलाइज़र है सीवीड, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता। ये 50-1 रुपये का पैकेट आपको मिल जाएगा और काफ़ी चल जाता है। ये आपको लोकल नर्सरी से या फिर किसी भी गार्डनिंग शॉप से जो इस तरीके के सामान बेचते हैं उनके पास आराम से मिल जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के बाद आपके प्लांट्स में चमत्कार हो जाएगा। जी हाँ, चमत्कार हो जाता है। फ्लावर्स 50% एक्स्ट्रा आएंगे, फ्लावर्स का जो साइज़ है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ फ्लावर्स का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है इससे। एकदम सब्जियों में, अगर आप सब्जियों के प्लांट्स में अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका जो साइज़ है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये देखिए गेंदे के मेरे इसका साइज़ देखिए फ्लावर का,
इसको मैं लाया था तो बहुत छोटा सा था, और मेरे इस प्लांट में बर्ड्स देखिए काफ़ी सारी बर्ड्स आई हुए हैं इसके ऊपर, और इसका साइज़ पहले ये देखा, पहले ये इस तरीके से था, ठीक है। मैंने सिर्फ ये इसी पे यूज़ किया था, सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि इसमें यूज़ करने के बाद और यूज़ करने से पहले कितना फ़र्क पड़ता है। इसी एक ही मेरे प्लांट में दो बर्ड्स आए हुए थे फ्लावर के, और इस पे यूज़ नहीं किया था मैंने, तो इसकी कंडीशन सर्दियों में देखिए और इसकी कंडीशन देखिए इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के बाद। ये मात्र दो हफ्ते पहले का रिज़ल्ट है, दो हफ्ते पहले मैंने इसको यूज़ किया था। तो दोस्तों हम और कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उस फर्टिलाइज़र में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है। इसके अलावा प्लांट को ग्रोथ करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जो उनमें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ कम रहती है और धीरे धीरे होती है। सीवुड एक्सट्रैक्ट में 60 तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं जो हमारी प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं, मतलब बूम हो जाता है एकदम से, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त। जिन प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो रही है आपके या कम होती है, ये उन प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। और पत्तियों का कलर देखिए, पत्तियों का कलर इससे बहुत अच्छा हो जाता है। इसके स्प्रे से रेगुलर यूज़ करेंगे तो पत्तियों का जो कलर है बहुत अच्छा आएगा, नेचुरल आएगा, पत्तियों में पीलापन नहीं आएगा और पत्तियाँ बहुत ही अच्छे कलर में खिलकी आती हैं। फ्लावर के बर्ड्स हैं ये देखिए, ये बहुत मजबूत रहते हैं, जल्दी टूटते नहीं। लोगों की शिकायत रहती है कि फ्लावर के बर्ड्स तो आते हैं पर वो जल्दी टूट जाते हैं, इसके स्प्रे करने के बाद फ्लावर बर्ड्स जो हैं आपके बहुत मजबूत रहेंगे और जो फ्लावर है वो लंबे समय तक आपके प्लांट पर टिका रहेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो फॉर्म में मिलेगा आपको, एक तो दानेदार और एक लिक्विड वाला बाज़ार से बना बनाया मिल जाता है आपको, लेकिन वो महंगा पड़ता है। तो मैं तो यही यूज़ करता हूँ काफ़ी टाइम से और मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो दोस्तों कुल मिला के ये आपकी प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, तो इसको आप रेगुलर अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो आप इसको यूज़ करें। ज़्यादातर यूज़ करें आप सर्दियों में, आप इसको दिन में यूज़ कर लें, और अगर गर्मियाँ हैं तो इसको आप शाम के टाइम यूज़ कर सकते हैं। बस यही था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।